वेलकम टू एसएससी इजी दोस्तों, हाजिर आपके सामने फिर से फिक्स प्रिपोजिशन का एक नया सीरीज के साथ। तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं फिक्स प्रिपोजिशन विद पी अल्फाबेट। तो हम लोग का टारगेट है कि हम लोग कंप्लीट करेंगे ए टू जेड, आपका जितना भी फिक्स प्रिपोजिशन है इंपॉर्टेंट वो सब कंप्लीट करेंगे, ठीक है। टोटल 500 कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोग पी से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा दोस्तों पार्टेड। देखिए पार्टेड क्या करता है, दो चीज लेता है, दो प्रिपोजिशन लेता है। पार्टेड का मतलब क्या होता है, जुदा होना, यानी हिंदी क्या बोलते हैं, जुदा होना। एक होता है विद और एक होता है फ्रॉम, क्लियर। अगर हम फ्रॉम यूज कर रहे हैं तो कोई पर्सन से अगर जुदा हो रहे हैं तो हम यूज करेंगे फ्रॉम, ओके। और विद यूज करेंगे जब कोई थिंग से होंगे, क्लियर। इफ यू आर पार्टेड फ्रॉम योर फैमिली दैट मीन्स फ्रॉम एनी पर्सन, फ्रॉम योर गर्लफ्रेंड, फ्रॉम फादर, एनीबडी, ओके। कोई भी इंसान से अगर आप हो रहे हैं जुदा तो आप फ्रॉम का यूज करेंगे। और अगर कोई चीज से, जैसे आप अपने लैपटॉप से जुदा होंगे, यू आर पार्टेड विद लैपटॉप, योर लैपटॉप, योर बाइक, एनीथिंग, ओके। तो उस केस में हम लोग विद का यूज करेंगे, क्लियर है। तो पार्टेड याद रखना है, जुदा होना दो चीज लेता है, फ्रॉम लेता है और विद लेता है, फ्रॉम पर्सन विद थिंग्स, क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पार्शियलिटी, ध्यान दीजिएगा, क्लियर है। पार्शियलिटी दो चीज लेता है, क्लियर है। अब देखिए एक होता है टू और एक होता है आपका फ्रॉम, फॉर सॉरी, ठीक है। एक होता है टू, एक होता है फ्रॉम। टू अगर होता है तो कोई थिंग से आप हो रहे हैं, फॉर हो रहा है तो सॉरी टू हो रहे तो आप कोई इंसान से हो रहे हैं, ओके। टू हो रहे हैं तो कोई पर्सन से हो रहे, क्लियर है। और फॉर हो रहा है तो कोई थिंग से। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट आपको चीज याद रखना है, वो क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि पार्शलिटी का मतलब आदमी को क्लियर नहीं होता है, एक केवल उसको पता रहता है कि भेदभाव, क्लियर है। जस्ट एक जानता है कि भेदभाव होता है, बट भेदभाव ही नहीं होता है, दो मीनिंग होता है पार्शलिटी का। एक तो होता है भेदभाव, ठीक है। तो भेदभाव के केस में आप यूज कीजिएगा टू, ठीक है। और एक का मीनिंग होता है, अगर बोला जाए लाइकिंग फॉर, ठीक है, लाइकिंग और फॉन्डनेस फॉर समथिंग, उस चीज के लिए लाइकिंग हो आपके अंदर या फॉन्डनेस हो उसके लिए आप फॉर यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मीनिंग लिख देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। पहला अगर इसका मीनिंग क्या होता है, एक होता है अनफेयर बायस, दूसरा क्या होता है अ पर्टिकुलर लाइकिंग और यू कैन से फॉन्डनेस फॉर समथिंग, क्लियर है, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए पार्शलिटी फॉर कोई थिंग, यहां पे क्या हो रहा है, लाइकिंग का केस हो रहा है। अगर आप पार्शलिटी फॉर कर रहे हैं आइसक्रीम, दैट मीन्स आप लाइक कर रहे हैं आइसक्रीम को ज्यादा। अगर आप पार्शलिटी टू कोई पर्सन के साथ कर रहे हैं, अगर पार्शलिटी टू समीर, पार्शलिटी टू राहुल कर रहे हैं, तो मतलब आप उससे भेदभाव कर रहे हैं, क्लियर है, हिंदी क्लियर है, ओके। नाउ अब देखिए इस केस में अगर चलते हैं, अगर हम लाइकिंग के केस में चलते हैं, मीन सेकेंड केस, सेकेंड केस क्या फॉर से, क्लियर है। तो उस केस में अगर चलते हैं तो हम जानते हैं कि फॉन्डनेस क्या लेता है, आपको एफ वाले में मैंने पढ़ाया था, फॉर लेता है। अच्छा और क्या क्या हो सकता है भैया, तो और क्या हो सकता है, लाइकिंग, लाइकिंग भी क्या लेता है, फॉर लेता है, क्लियर है। चलिए और क्या क्या हो सकता है, टेस्ट भी फॉर लेता है, साइनो का, इसका हल्का फुल्का जो साइन है उसका यूज कर रहा है, ठीक है। अब देखिए एक इंक्लिनेशन होता है, उसका भी मतलब क्या होता है, झुकाव। इन हिंदी दो मीनिंग है, यहां पे क्या है भेदभाव, यहां पे क्या है झुकाव, किसी चीज के प्रति झुकाव। तो इंक्लिनेशन भी होता है, टू लेता है, ठीक है। एक होता है लीन, लीन टू, एल से आप पढ़े होंगे, आई से आप पढ़े होंगे इंक्लिनेशन, और एल से पढ़े होंगे लीन टू। ये सब का मतलब क्या होता है, ये दोनों का मतलब होता है झुकाव। फॉन्डनेस का मतलब वही होता है, लाइकिंग का मतलब किसी प्रति लाइक करना ज्यादा, ओके। फॉन्डनेस का भी आप जानगे, टेस्ट फॉर भी आप जानगे। तो ये आप किस सेंस में ले रहे हैं, झुकाव के सेंस में। जब आप पार्शलिटी फॉर का यूज करें तब आप ये सब चीज का यूज करेंगे, क्लियर। अब पार्शलिटी टू का मतलब भेदभाव करना किसी से भी, क्लियर
थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कुछ छोटा छोटा वर्ड है जिसको आपको देखना ध्यान से। देखिए पेनफुल, देखिए फिर से फूल आ गया। मैंने आपको बताया था जितना भी फूल होता है, हॉट फूल, फेथफुल, ग्रेटफुल, क्लियर, जितना भी फूल होता है उसमें आपको मैंने बताया था टू लगेगा। एक था फियरफुल जिसमें आपको क्या लग गया था, ऑफ, क्लियर है। तो देखिए पेनफुल बोल दिया तो हर्टफुल हो गया, फेथफुल हो गया, ग्रेटफुल हो गया, टू गया। रिविजन की तरह भी आपको मैं जानबूझ के बता देता हूँ जिससे कि आपको रिवाइज होते रहे, मेरे एक ही वीडियो में आप बहुत सारी चीज को जानते रहे जो जो इससे रिलेट होगा। फियरफुल में क्या होता है, ऑफ लग जाता है, क्लियर। अच्छा अब चलते हैं दूसरा, पैशन, ये तो यहां तक क्लियर हो गया। पैशन फॉर होता है, ठीक है, तो पैशन जैसे ही देखते हैं पैशन फॉर लेता तो उसी से आपको याद आ गया डिजायर, डिजायर भी क्या लेता है फॉर, अफेक्शन भी क्या लेता है फॉर, क्लियर है। तो पैशन से आपका तीन चीज हो गया, ठीक है। अब मैं चलता हूं दूसरे टॉपिक पे। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, एक आपका वर्ड है प्रीफेस और एक है आपका वर्ड प्री जुडिशियल, ठीक है। प्रीफेस क्या करता है, टू लेता है। प्रीफेस का मतलब आपको पता होगा, प्रीफेस मतलब होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट, इंट्रोडक्शन जो पार्ट होता है आपका बुक का होता है, किसी भी चीज का होता है फ्रंट पेज जिसमें इंट्रोडक्टरी चीज दिया रहता है उसको प्रीफेस बोलते हैं, ठीक है। प्री जुडिशियल का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है अगर बोला जाए, अगर लिखा जाए हार्मफुल टू समवन, कोई भी चीज हार्मफुल है किसी के लिए उसको बोलते हैं प्री जुडिशियल। आज जैसे हम हार्मफुल सोचे तो बस हमको याद हो गया भाई इसका और क्या क्या हो सकता है। तो देखिए इसका साइनो क्या क्या लिख सकते हैं, साइनो हार्मफुल, क्लियर है, डेट्रीमेंटल, और क्या आप लिख सकते हैं इंजेरियस, इंजेरियस, और क्या क्या लिख सकते हैं, हर्टफुल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जितना भी इसका साइनो है ध्यान दीजिएगा ये सब क्या लेता है, टू, क्यों, क्योंकि प्री जुडिशियल भी टू लेता है, ये भी क्या लेता है, टू, दैट्स व्हाई सबका सब इसका साइनो टू लेता है। अच्छा इसका क्या एन टू बहुत फेमस था जो मैंने आपको बी में पढ़ा है, तो वो क्या था, बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, ये क्या लेता है, टू, क्योंकि इसका एन टू है, ये सबका एन टू है, ये दैट्स व्हाई ये भी क्या लेता है, टू लेता है। होप क्लियर हो गया होगा, जो भी ध्यान से शुरू से देख रहे होंगे उनको सब कुछ समझ में आएगा, बीच से एक वीडियो चालू कीजिएगा तो दिक्कत होगा, क्लियर है। चलिए एक अब आपको एक और दो तीन छोटा छोटा लेके चलता हूं, ठीक है, जिसमें इसमें क्लियर कर देता हूं। एक देखिए प्रायर टू, प्रायर क्या लेता है, टू लेता है। अच्छा प्रायर से हमको याद है क्या, सुपीरियर, जूनियर, क्लियर है, तो ये भी क्या लेगा, टू लेगा, बोलिए क्लियर, क्लियर है। अब चलते हैं ध्यान से देखिएगा, यहां पे ये क्लियर हो गया, और चलते हैं प्लेज, प्लेज मतलब प्रतिज्ञा, ऑब्लिगेशन, ठीक है, तो प्लेज टू होगा तो ऑब्लिगेशन भी टू लेगा, बोलिए क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है आपका दोस्तों पेरिस, पेरिस का मतलब क्या होता है, नष्ट होना या मिटा देना, लाइक दिस, ओके। तो इसका दो तरीका से यूज करते हैं, दो इसमें प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ऐसे नेट पे देखिए बहुत सारा होता है बट आपको मैं बता दे रहा हूँ ये दो ही बेसिक यूज होता है, क्योंकि कुछ पर्सन लोग कुछ तरह का प्रीपोजिशन लगाता है, कुछ पर्सन कुछ तरह का लगाता है, जो मैक्सिमम लोग यूज करता है वो इसमें लिया गया, क्लियर है। एक है पेरिस विद और एक है पेरिस बाय, क्लियर है। पेरिस विद का आप यूज कीजिएगा हंगर के केस में, थर्स्ट के केस में, प्यासा होने के केस में, हंगर के केस में, अगर इससे कोई आदमी मर जाता है या नष्ट हो जाता है उससे आप यूज कीजिएगा पेरिस विद, अदर देन इससे, अदर देन हंगर एंड थर्स्ट आप क्या यूज कीजिएगा बाय, क्लियर। अगर हंगर और थर्स्ट से अगर कोई मरता है तो
उसमें आप यूज कीजिएगा पेरिस्मिथ, क्लियर है। अदर देन इससे आप यूज कीजिएगा किसी में भी वाई यूज कीजिएगा, क्लियर है। मैक्सिमम पर्सन यूज करता है क्योंकि इसको आप नेट में देखिएगा तो इसमें आपको दिखेगा बहुत सारा डिफरेंट, ठीक है। तो वो यूजेस पे है कि इतना प्रतिशत लोग इतना यूज करता है, ये एट यूज कर देता है, इतना प्रतिशत ये यूज कर देता है, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है, ध्यान लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रॉन टू। प्रॉन क्या लेता है, टू लेता है। प्रॉन का मतलब क्या होता है, देखिए अगर इसको आपको समझाने के लिए मैं बोलूं कि कोई कोई आदमी का होता है कि इसे सपोज मेरे को क्या है कि अगर मैं ठंडा चीज खाता हूं तो मैं अफेक्ट हो जाता हूं तुरंत, मेरे को ठंडा आइसक्रीम खा लूं या कोल्ड ड्रिंक्स पी लूं तो मैं अफेक्ट हो जाता हूं उससे, तो मैं प्रॉन टू कोल्ड हो जाता हूं। आप देखते होंगे बहुत जगह मूवी में देखेंगे बहुत जगह लिखा होगा प्रॉन टू एक्सीडेंट, ये आपने लाइन पढ़ा होगा, ओके। तो कोई भी चीज से जो अफेक्टेड हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं इजिली अफेक्टेड हो जाना, दैट इज कॉल्ड प्रॉन टू। तो प्रॉन लेता है टू। नेक्स्ट चलते हैं पाइन। तो पाइन क्या लेता है, फॉर। पाइन का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलेंगे लालसा, तो पाइन फॉर, क्लियर है। तो इसी में आप डिजायर फॉर भी याद रखिए इसके साथ, डिजायर फॉर, क्लियर है, चलिए क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, अब है आपका देखिए प्रेफर। प्रेफर के साथ अगर टू लगता है, आप जानते हैं प्रेफर के साथ टू, इस पे एरर बहुत बार पूछ चुका है, प्रेफर टू होता है, याद रखिए प्रेफर टू होता है। तो प्रेफरेबल भी क्या होगा भैया, टू ही होगा, तो ये दोनों क्या प्रेफर ही है, देखिए यहां तक प्रेफर ही है ना भाई, लास्ट में एबल लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेफर टू याद है तो प्रेफरेबल भी आपको टू याद हो जाएगा, क्लियर है। अब एक चलता हूं एक चीज पे जिसमें आपको ध्यान देना है, बोलते ना कोई कोई पिक्यूलर इसेंट्रिक टाइप होता है, मतलब नवाजुद्दीन सिद्दीकी का अगर आप देखेंगे मूवी तो उसमें क्या होता था, सब पिक्यूलर एक्टिविटी करता है, अजीब, ठीक है, इसेंट्रिक टाइप करता है, ओके। तो इसको क्या इसके साथ क्या लगता है, टू लगता है, पिक्यूलर टू होता है, ठीक है। अब देखिए किसी इंसान से हम रिलेट किए कि ये पिक्यूलर है, तो उसी से एक और रिलेट करते हैं कि कोई अगर रूड है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद है ना, रूड के लिए क्या आता था, इम्पर्टिनेंट, आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ये वोकैब में आ चुका है, याद रखिएगा। इसका साइनो क्या बोल सकते हैं, इम्प्यूडेंट, ठीक है। तो ये दोनों अगर साइनो है दूसरा का तो दोनों टू लेता है, पहले से याद रखे, एक टू लेगा तो दूसरा भी टू लेगा क्योंकि साइनो। इसी का अगर एन टू लिखे तो क्या लिख सकते हैं भैया, इम्पर्टिनेंट को लिख सकते हैं क्या, जो रिस्पेक्टफुल होता है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, पर्टिनेंट, ये आ चुका है वोकैब में, तो पर्टिनेंट क्या लेगा, टू, क्लियर है। पीछे समझ में आ गया, पर्टिनेंट टू लेगा, एक इंसान पे है, एक इंसान रूड नहीं है तो क्या है, पर्टिनेंट इंसान है, तो पर्टिनेंट है तो पर्टिनेंट टू। पेक्यूलर है, अजीब है, अतरंगी है, एसेंट्रिक है, तो उसको क्या बोलेंगे, पेक्यूलर टू, क्लियर हो गया। ये याद रखिएगा ये तीनों एज अ वोकैब आपको प्रीवियस ईयर में आ चुका है, आई थिंक ये आपका क्लियर हो गया। पेनफुल आपको मैंने बता दिया, अब आपको यहां पे कुछ बचा नहीं, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका प्रिवेल। सबसे पहले आपको प्रिवेल का मतलब समझना होगा क्योंकि दो मीनिंग होता है, जैसे पार्शियलिटी का था दो मीनिंग, एक था क्या भेदभाव, एक था झुकाव, तो उस सेंस से अलग अलग हो गया था। तो पार्शियलिटी फॉर हो गया था क्या चीज के लिए, झुकाव के लिए, पार्शियलिटी टू हो गया था भेदभाव के लिए, वैसे ही प्रिवेल का भी है। प्रिवेल का पहला मीनिंग क्या आपको बताना चाहूंगा कि प्रूफ मोर पावरफुल और सुपीरियर, मतलब किसी में होता है कि अपने आप को ज्यादा पावरफुल दिखाने का करना या सुपीरियर दिखाने का कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड प्रिवेल करना, क्लियर है पहला मीनिंग। दूसरा क्या है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा मीनिंग है इसका परस्यूट करना, किसी को मनाना, राजी करना, परस्यूट समवन टू डू समथिंग, बोलिए क्लियर है। दो मीनिंग है याद रखिएगा, क्योंकि जब एग्जाम में वोकैब में क्वेश्चन देता है तो आप एक मीनिंग याद करके जाते हैं, दूसरा से अगर उसका साइनो एंटो दे देता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए दोनों मीनिंग याद रखिएगा, मैंने इसलिए लिख दिया। ओके, ये दो चीज लेता है, क्या लेता है, प्रिवेल दो चीज लेता है, एक लेता है ऑन या अपॉन, ठीक है, और एक आपका लेता है अगेंस्ट, बोलिए क्लियर है। ऑन और अपॉन कब यूज करेंगे, जब आप परस्यूट का केस होगा, मनाने का कोशिश होगा कोई चीज के लिए। अगेंस्ट क्या चीज के केस में होगा, अदर देन आपको जो प्रूफ करने का, मीन्स
आप बोल सकते हैं टू शो मोर पावरफुल और सुपीरियर। क्लियर, ऊपर मीनिंग बता दिया। तो अगेंस्ट किसके लिए यूज होगा? इस केस के लिए। ऑन अपॉन किसके लिए यूज होगा? परस्यूट के केस में। पक्का क्लियर है प्रिवेल का? अच्छा, एक बहुत अच्छा आपको हमको याद आ गया, आपको मैं बता दूं, परस्यूट, परस्यूट का ही अगर आप बोलेंगे, प्रिवेल का सेंस से ही अगर बोलते हैं, परस्यूट को क्या बोलते हैं? अगर आप प्रेजल वर्ब के सेंस में बोलेंगे तो ब्रिंग अबाउट, याद रखिएगा, सॉरी ब्रिंग अराउंड, ब्रिंग अराउंड का मीनिंग ही होता है परस्यूट करना। क्लियर है? तो याद रखिएगा, ठीक है? तो ये एक मैंने आपको फ्रेजल वर्ब बताया, ब्रिंग अराउंड का मतलब होता है परस्यूट करना, किसी को मनाना। क्लियर है? अब इसी में एक और चीज बता देता हूं, प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट क्या होता है? इन लेता है। क्लियर है? अब प्रॉम्प्ट का मीनिंग मैं आपको क्लियर करता हूं कि प्रॉम्प्ट क्या होता है, ठीक है? नेक्स्ट मैं भी क्लियर करूंगा, अभी मैं जस्ट आपको बता दिया कि प्रॉम्प्ट क्या लेता है, इन लेता है, बट उसको अच्छा से क्लियर करना होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में बताते हैं आपको। तो नेक्स्ट मैंने क्या बोला था? प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का भी दो मीनिंग होता है, पहले आपको मीनिंग याद रखना हो, क्योंकि देखिए दिक्कत होता है, मैं बता रहा हूँ वोकैब में आ चुका है तभी मैं आपको बता रहा हूँ। दो मीनिंग होता है, क्या मीनिंग होता है? दोनों मीनिंग आपको देख के रखना है। एक मीनिंग क्या होता है? सिंपल, अगर एज अ नाउन लेते हैं, क्या लेते हैं? एज अ नाउन, तो क्या होता है? एज अ नाउन अगर ये यूज होता है तो एन एक्ट ऑफ इनकरेजिंग हेजिटेटिंग हेजिटेटिंग स्पीकर। क्लियर है? यहाँ पे थोड़ा सा साफ से लिख देता हूँ जिससे आप लोग नोट कर सके, ठीक है? हेजिटेटिंग स्पीकर, तो ये क्या होता है? एक एक्ट होता है जिसमें इंकरेज किया जाता है, ठीक है, एक हेजिटेटिंग स्पीकर को जो हेजिटेट कर रहा है बोलने में, स्पीकर, ओके, उसको इंकरेज करने का जो एक्ट होता है उसको बोला जाता है प्रॉम्प्ट। सेकेंड मीनिंग एज अ एडजेक्टिव लेना है। तो एज अ एडजेक्टिव इसका मीनिंग क्या होता है? आप जानते हैं, सेकेंड मीनिंग ही अच्छा से जानते हैं। प्रॉम्प्ट मतलब जल्दी में, डन विदाउट डिले, बोलते हैं प्रॉम्प्ट इन पेमेंट, पेमेंट करेंगे हम, टेंशन मत लीजिए, प्रॉम्प्ट इन पेमेंट करेंगे, दैट मीन्स हम तुरंत पेमेंट करेंगे, बिना डिले किए पेमेंट करेंगे। तो हम लोग यही यही आप लोग क्या होता है, एक मीनिंग जान के छोड़ देते हैं, जिसके चलते एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो दिक्कत हो जाता है। मैं पहले बता रहा हूँ, प्रॉम्प्ट का ये वाला चीज आ चुका है एज अ नाउन, उस समय कंफ्यूजन हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब इमीडिएट, ओके। तो देखिए आप इन कब का यूज करेंगे? प्रॉम्प्ट इन आप कब यूज करेंगे? जब एज अ एडजेक्टिव यूज करेंगे, प्रॉम्प्ट इन पेमेंट करते हैं, ठीक ना, कैश ऑन डिलीवर जब करते हैं तो प्रॉम्प्ट इन पेमेंट करते हैं आप, तुरंत हाथों तो हाथ तुरंत दे देना, टेंशन नहीं है भाई, तुरंत दे देंगे, डिले नहीं करेंगे, तो प्रॉम्प्ट इन पेमेंट करते हैं। क्लियर है? तो प्रॉम्प्ट इन का समझ गए मीनिंग। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, इसी से कुछ कुछ रिलेटेड और देखते हैं। अब क्या है, देखिए प्राइड, प्राइड का दो चीज होता है, प्राइड से याद आ गया प्राउड, तो प्राउड क्या लेता है? ऑफ, याद रहेगा मेरे को, जैसे जैसे आपको रिलेट हो रहा है मैं बताते जाऊंगा। तो प्राउड ऑफ होता है आप जानते हैं, चलिए ठीक है। प्राइड का ध्यान दीजिएगा, प्राइड ऑन लेता है, इन लेता है, कब लेता है? जब प्राइड को आप एज अ वर्ब लेते हैं, जब प्राइड एज अ वर्ब यूज होता है तो ऑन प्रीपोजिशन लेता है, और जब प्राइड एज अ नाउन यूज होता है तो इन प्रीपोजिशन लेता है, याद रहेगा, कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइड ऑन लेता है कब? जब प्राइड एज अ वर्ब यूज किया जाता है। प्राइड इन लेता है कब? जब प्राइड एज अ नाउन यूज किया जाता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा पॉपुलर। पॉपुलर बहुत फेमस है, तो पॉपुलर देखिए, पॉपुलर दो चीज होता है, एक होता है विथ, अब बहुत जगह अमोंग भी यूज करता है, कोई दिक्कत नहीं, विथ या अमोंग दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। और एक होता है फॉर, ध्यान दीजिए, जब पॉपुलर फॉर कोई क्वालिटी के लिए होता है, अ गुड क्वालिटी, वो भी गुड क्वालिटी पॉजिटिव है, ठीक है, इज पॉपुलर फॉर काइंडनेस, इज पॉपुलर फॉर, मतलब कोई भी चीज अच्छा चीज के लिए वो पॉपुलर है,
तो उसमें फॉर लगता है, मतलब थिंग के लिए कोई, खास करके गुड क्वालिटी। पॉपुलर विथ और अमॉन्ग यूज करते पीपल के बीच में, पर्सन के बीच में। क्लियर है? क्लियर हो गया होगा। चलिए अब लास्ट बचा, लास्ट है हमारा पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? दो चीज लेता है, ध्यान दीजिएगा। एक है पॉइंट एट, पॉइंट टू। अच्छा पॉइंट टू का यूज कब करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट टू का यूज करते हैं जब डायरेक्शन का केस होता है। ही पॉइंटेड टू ईस्ट, अगर आप किसी से डायरेक्शन पूछे, वो बोला पॉइंटेड टू ईस्ट कर दिया, मतलब ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है, वहां जाना है आपको। मतलब बिग बाजार किस साइड है भाई? पॉइंटेड टू नॉर्थ, पॉइंटेड टू ईस्ट। ठीक है, तो डायरेक्शन के सेंस में पॉइंट टू का यूज करता है। पॉइंट एट का यूज क्या होता है? कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज के लिए होता है। ठीक है, किसने कत्ल किया? जज साहब पूछते हैं, इन्होंने, पॉइंट एट कर देता है उस पर्सन के, मतलब स्पेसिफिक करके कर देता है। क्लियर है? कोई भी चीज के लिए स्पेसिफिक अगर आप यूज कर रहे हैं तो पॉइंट एट करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट, और इसी से एक और आ जाता है प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो प्रॉफिट बाय भी लेता है, फ्रॉम भी लेता है, सिचुएशन पे आप चेक कर लेंगे। ठीक है, प्रॉफिटेबल हमेशा टू लेगा, बस याद रखना। प्रॉफिट बाय भी लेता है, फ्रॉम भी लेता है, प्रॉफिटेबल टू लेता है, ये आपको क्लियर कट याद रखना है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट था पी से, थोड़ा सा ज्यादा बड़ा वीडियो हो गया क्योंकि इसमें ज्यादा अच्छा अच्छा फिक्स्ड क्वेश्चन था। ओके, तो इसको आपको रिवीजन करना है, कॉपी में लिख लेना है, याद करना है, और सारा ए टू जेड आप मेरे कहानी की तरह देखिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन एक तो हमारा पहला रिलीज हो चुका है, और ऐसे टोटल आएगा 15 से 20 के करीब, और आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा, मेरा चैलेंज है। ओके, तो अभी के लिए थैंक यू।